जिसने आपको धोखा दिया है वो भले आज खुश हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी कर्मों की सजा उसको मिलेगी और ब्याज के साथ मिलेगी, क्योंकि भगवान के हिसाब में कभी गड़बड़ नहीं होती। जब भगवान को आपसे प्यार होता है ना, तो वो उन तमाम लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। सब कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब जिस सब्र से इंसान टूटकर बिखर जाए। अगर आपके साथ कोई बुरा करके खुश हो रहा है ना, तो बस कुछ दिन सब्र कर लेना, क्योंकि जब ऊपर वाला हिसाब करता है ना, तो संभलना तो दूर, रोने लायक भी नहीं छोड़ता। एक बात हमेशा याद रखना, भरोसा खुद पे करो तो वो ताकत बन जाती है, और भरोसा दूसरों पे करो तो वो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखेगा, और आप कब गलत थे ये सभी लोग याद रखेंगे। ये कदर और वक्त बिना कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वो कदर नहीं करता, है ना कमाल की बात। गंदी सोच और गंदी नीयत दिमाग की होती है, वरना जिस्म की बनावट तो अपनी बहन की भी वही होती है। जिंदगी में ये पांच बातें हमेशा याद रखना, जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं, जो पछता नहीं उसे खाना नहीं, जो नज़रों से गिर जाए उसे उठाना नहीं, जो सत पर भी रूठे उसे मनाना नहीं, और जो मौसम सा दोस्त बदले वैसा दोस्त बनाना नहीं। दोस्त ये तो हिस्सा है जिंदगी का, डटे रहना है घबराना नहीं। अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे, तो जिंदगी की आधी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो, जब आपकी जबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सब सबकी तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे, और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे, और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है, और आपकी जिंदगी अपने आप बेटर। चार कारण जिससे आप दुखी रहते हैं। नंबर एक, आप उन्हें ज्यादा अहमियत देते हो जो आपको इग्नोर करते हैं। नंबर दो, आप उन लोगों को अपना मानते हो जिन्हें आपके होने न होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। नंबर तीन, आप उन्हीं से ज्यादा बात करने की कोशिश करते हो जो आपसे बोलना तो दूर देखना भी पसंद नहीं करते। नंबर चार, आप उनके लिए अपना कीमती समय निकालते हो जो हमेशा खुद को बिजी दिखाने का ढोंग करते हैं। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो बोलने से पहले सुनना सीखे, खर्च करने से पहले कमाना सीखे, लिखने से पहले समझना सीखे, हार मानने से पहले कोशिश करना सीखे, और मरने से पहले खुलकर जीना सीखे, तभी आप खुश रह पाएंगे। रिश्ते ना किराए के मकान की तरह होते हैं। आप कितना भी सजा लो, कितना सुंदर से सजा लो, कुछ भी कर लो, कभी वो अपना घर नहीं होता है। उसी तरह कुछ रिश्ते भी ऐसे होते हैं, उसे आप कितनी ही अहमियत दे दो, कितना ही सब कुछ अपना सब कुछ दे दो, फिर भी वो कभी अपने नहीं होते हैं।